दोस्तों अभी हम सूरत अभिषेक मार्केट के पास है, जो पूरा मार्केट इलाका है, साड़ी की मार्केट है। और यहाँ पे एक भाई है जो अभी कपड़े भी नहीं पहने हैं और बहुत ही बुरी हालत के साथ यहाँ पे रहते हैं। बट चले कोई बात नहीं, मानसिक रूप से थोड़े बीमार है, थोड़ी सी कोशिश करते हैं। आज भाई का व्हाट्सअप मिला था हमें, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे। तो उनके साथ थोड़ी बातचीत करते, कोई भी व्यक्ति रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखें। थैंक यू। ओ भैया, कैसे हो भैया? बढ़िया, खड़े हो जाओ। अरे वाह, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मुकेश। मुकेश, मुकेश भाई कहाँ से हो? मुकेश भाई कहाँ से हो? कहाँ से हो यार? रुको एक मिनट, मैं चश्मा निकाल देता हूँ, क्या आंखों से आंख बात करेंगे तो सही रहेगा। कहाँ से हो आप? पता नहीं कहाँ से आया है। पता नहीं कहाँ से आया है। आपको नहीं पता आप कहाँ से हो? अच्छा, पानी पीना है? पानी दू बीजा? दादा जता रहे जो नहीं, प्लीज़ डरी बीजा, तमने जोशो तो डरी जस। क्या आपका पूरा नाम क्या है भाई? मुकेश भाई। मुकेश भाई, और मुकेश भाई क्या काम करते हो आप? कुछ काम नहीं करते। रात को कहाँ पे रहते हो? बाहर। खड़े हो सकते हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, टेंशन नहीं लो, लो पानी पी लो, पानी पी लो, पी लो, कोई बात नहीं, पी लो, घबराइए मत, पी लो आप। बीजा जता रहे जो नहीं, तमने जो प्लीज खाली करो, पी जाओ, पानी पी लो, मुंह साफ कर लो, पानी पी लो, पीने का पानी है ठंडा, पी लो। कहाँ से हो आप? हो कहाँ से? यूपी, बिहार, गुजरात? नहीं पता है। आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे को नहीं मालूम क्या है पिताजी का नाम। क्या? मेरे को नहीं खबर पिताजी का नाम क्या है। आपको नहीं खबर? बराबर। तो यहाँ कैसे आ गए आप? कौन आप? वो भी नहीं पता है आपको? कुछ पता ही नहीं है? आपका नाम पता है? आप कितने टाइम से जानते हो भाई? मैं भाई को 3 महीने से देख रहा हूँ, इधर ही भटकते रहते, रोज़ कुछ से कुछ उठा के खाते रहते, कोई भी बीड़ी फेंक देता उठा के पीते, कुछ खाने का नहीं मिलता है तो मैं ला ला के खिलाता उलाता हूँ, तो रोज देखता हूँ इसकी प्रॉब्लम, तो इसके लिए मैंने आपको फोन किया। बरोबर। चाय ना, तो फिर वो रात को कहाँ पे सो जाता है? रात को रोज देखता हूँ, मैं पार्किंग में से घर पे जाता हूँ तो रोज देखता हूँ रोड पे सो जाता है, इधर सोता है उधर सो जाता है रोड पे, किससे भी झगड़ा उगड़ा हो जाता है, पागल जैसा करते रहते हैं। बरोबर। तो फिर उनका खाना बना? तीन चार साल हो गया इनको इधर ही ऐसे भटकते है, लोग खिलाते है खाते है। बरोबर। हाँ, तो फिर ना ही सोना ना ही बैठना, इधर ही जहाँ दिल बोले वहाँ सो जाते है। बरोबर। तो फिर उनके परिवार वाले को? कोई नहीं है ऐसे 4 साल से तो मैं देखते आ रहा हूँ। बरोबर। चलोगे हमारे साथ? घर जाना है आपको? घर पहुंचा देंगे आपको। घर नहीं जाना, मिठाई खाने का है। मिठाई खाने का? मिठाई, मिठाई खाना है? क्या बात है, चलो साथ में मिठाई खाते है, रसगुल्ला खाते है, आपको खिलाता हूँ, चलो सब खिलाएंगे पिलाएंगे, कपड़े अच्छे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर सब लोग चलो मिलेगा। बीजा जता रहे जो डरी जैसे, प्लीज भाई थोड़ा भीड़ खाली करो, एक नंबर काम कर दे, देखता हूँ आपकी वीडियो से। आपको भाई अपने वीडियो में देखता, रसगुल्ला खाना है? हैं, चलो मेरे चलो होटल लेके जाते हैं, तुमको खाना होना सब मस्त, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर, सर की बात मैं करता था तुमसे, रोज बात करता था ना, ये सर की बात करता था, सर को मैंने आपका रोज फोटो वीडियो भेजा। आपका घर एक बार बता दो कहाँ पे, फिर मैं आपको रसगुल्ला खिलाता हूँ। आपका घर कहाँ पे, कौन से राज्य में? बरहमपुर का है। बरहमपुर का कहाँ से? बरहमपुर का। बरहमपुर, वो कहाँ पे है? बरहमपुर, धरमपुर, धरमपुर, बरहमपुर का। बरहमपुर वो कहाँ पे है, कौन सा राज्य? राज्य नहीं, अरे कौन से राज्य से? यूपी, बिहार, उड़ीसा? उड़ीसा से? क्या बात, वहाँ पे कौन कौन है आपके? वहाँ पे कौन कौन रहते हैं? मम्मी पापा है सब? मम्मी पापा है कोई? नहीं है। आपको घर जाना है? घर जाना है? नहीं जाना है क्या? ये रोड पे आपका घर है? रसगुल्ला खाना है ना, तो आप बोला बताओगे मेरी बातों, तो रसगुल्ला खिलाऊंगा। रसगुल्ला खाएंगे? हाँ, तो मेरी बातों का जवाब दो तो खिलाऊंगा। आपके घर में कौन कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं है तो क्या ओडिशा नहीं जाना है वापस? जाना है, चलो साथ में पहले रसगुल्ला खाते, पानी पी लो, मुंह साफ कर दो, फिर ये होठ वगैरह साफ कर दो, लाल हो गए, क्या बात है।
हनुमान जी का मूर्ति है भाई। मुकेश नाम से, मुकेश नाम है वो तो भाई ने बताया। ये क्या पवन पुत्र हनुमान जी है? हनुमान जी है, हनुमान जी के परम भक्त हो? क्या बात है, मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ। हनुमान जी ने भेजा है, कल रात को सपने में आए थे मेरे कि भाई हमारा एक व्यक्ति भगत हमारा यहाँ पे रोड पे सो रहा है, आप उनके पास जाइए। चलोगे मेरे साथ? चलोगे? आओ ना साथ में रसगुल्ला खाते, चलो रसगुल्ला खिलाएंगे, कमरे अच्छे अच्छे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मस्त एकदम अच्छे से। ये क्या रखा है खीचे में? खाने का चीज़। अच्छा खाने का चीज़ है, प्रसाद है, क्या बात। पी लो पानी, पी लो, लाओ मुझे दे दो, पी लिया पानी, पी लो, ये भाई को दे दो, चलो चलो इधर, हाँ ले लो, चलो रसगुल्ला भी दिला देंगे। दोस्तों खाने की चीज़ की कितनी कीमत होती है ये आप देखिए यहाँ पे। नहीं खाने का, रात में खाने का, अभी नहीं खाने का। हाँ, अभी नहीं खाना है तो चलो बाद में खाते, चलो बाद में तुमको उधर दिला देंगे, चलो इधर क्या साइड में दो, जगह दो भाई, चलो भाई रास्ता खाली करो, आ जाओ, ये शर्ट ले लो आपका भाई। इधर रख दो सर, बैठ जाओ, एसी का हवा खिलाना भाई को। अरे वाह, ऊपर ऊपर सर, ऊपर ले जा, ले ले। चले दोस्तों अभी हम सूरत के अंदर, ये पूरी साड़ी की मार्केट है, वहाँ पे आए थे और भाई की हालत पिछले 3-4 साल से बहुत ही ख़राब है। लोग कुछ ना कुछ खाना पीना दे देते हैं बट कहीं ना कहीं उनको घर तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, बस यही कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखें और भाई के साथ और भी बातचीत करते हमारे मुकेश भाई के साथ, और जो शायद उनके घर तक पहुँच जाएंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। चलो भाई थैंक यू सो मच, चलो भाई मिलिए, तभी पर लोगों ने मदद कर जो आई रीते मिलिए। रसगुल्ला खाना है ना? रसगुल्ला तो नहीं खाना है? नहीं खाना है क्यों, मन बदल गया क्यों? चलो इधर आ जाओ, मस्त हम पहले कपड़े पहन लेते नए नए, इधर आ जाओ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं लोक कल्याण आश्रम में, जहां पे ऐसी प्रभु जी की सेवा करी जाती है और कुछ बदलाव लाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आप पूरा एपिसोड देखिए और अभी मुकेश भाई को मस्त नए नए कपड़े पहना देते और खाना भी खिला देते रसगुल्ले के साथ। चलिए देखते आगे, आप भी पूरा एपिसोड देखिए। पिताजी का नाम? ये तो मेरे को नहीं पता है पिताजी का नाम है, मेरे को नहीं खबर पिताजी का नाम की। आप कौन से टाइम पे घर से निकल गए थे? घर से निकले हुए कितना टाइम हुआ? ये तो पता नहीं कितना टाइम से घर से निकल गए हैं। अच्छा कुछ पता ही नहीं है आपको? क्या बाल काट दूँ? काट दूँ क्या बात, चलो। दोस्तों मुझे लग रहा है कि काफ़ी महीनों से नहाए नहीं थे, जिसके कारण उनकी गर्मी की वजह से बहुत ही परेशानी होती थी, शरीर में बहुत ही खुजला लहर है अभी, और सब कुछ अभी खुद का काम वो खुद कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो एक रास्ता मिल जाए, नहाने की सुविधा मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए और अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, तो हर एक व्यक्ति नॉर्मल लाइफ जी सकता है। वैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, बस भाई के पास व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण वो वहाँ पर परेशान हो रहे थे। 3-4 साल से वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं जाते हैं, फिर किसी के पास शायद इतना टाइम नहीं रहता है कि चलो उनके पास जाते हैं, उनकी हालातों को जानते हैं और थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। आपके सामने ही रिजल्ट है, देखिए आप कि किस तरह से वो खुद का काम वो खुद कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक व्यवस्था की कमी रहती है। और आज इस लोक कल्याण आश्रम में, लोक कल्याण वृद्धाश्रम में ऐसी व्यक्ति की व्यवस्था मिल रही, वही सबसे बड़ी बात है। तो आइए आप भी देखिए आगे आप पूरा एपिसोड, थैंक यू। उम्र तो मालूम होगी ना, बहुत कम लग रही है आपकी उम्र, अब रोज ना लोगे? कितने दिन से नहीं नहाए थे? ये तो पता नहीं कितने दिन से नहीं नहाए थे। पता नहीं था तो रात के कैसे सो पाते थे नहाए बिना? हैं? नहाए बिना कैसे सो पाते थे? पोज डालो, पैंट पहन लो। ब्रह्मपुर से? ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर से हो? वो कहाँ पे आया है? कहाँ पे आया? उड़ीसा, उड़ीसा के। उड़ीसा के? अच्छा हैं, वैसे हर रोज नहा लेते हो तो कितना मस्त लगता है आपका शरीर है? खाना है थोड़ा? रसगुल्ला? रसगुल्ला नहीं खाना है? नहीं, नहीं। अरे थोड़ा सा खा लो,
रसगुल्ला के बहाने हालाऊ। अरे एक डिश थोड़ा सा, हमको नहीं जाएंगे रे। अरे दो पैर में क्या भूख लगती है, बराबर ना। जो दादा को देखो, दादा देखो, अमिताभ बच्चन मिले आपको? मिला था। कब मिले थे? अभी आया नहीं। अभी नहीं आए? शराब मारते कौन ले आएगा। अच्छा, अमिताभ बच्चन आवे तो मेरा काम निकल जाओ। क्या बात, मैं तारीख टैक्सी वच्छ टैक्सी में वापस चला जाओ। अच्छा, वही गोलवार में। यहाँ पे मजा आ रहा है। बस ये हमारा अमिताभ बच्चन जी के बहुत बड़े फ्रेंड है, जो उनके साथ काम भी किया है। उनका एपिसोड जो आपने नहीं देखा है, अभी दो दिन पहले हमने अपलोड किया था, वो आप एक बार देख लीजिए। चलिए ठीक है, हमारे ओडिशा से जो भाई है उनको लेके आए, उनका ख्याल रखना आप। ओडिशा से है ना आप, उनका ख्याल रखना। अच्छा ठीक है, चलो उनसे बात कर लेता हूँ। पैसा कितना? पैसा वो पेपर है नहीं था? कौन देता था पैसा आपको? कौन देता था पैसा? कौन दे? कोई नहीं। तो आपके पास कहाँ से है? ये तो कहाँ से आया? ओ फेंक दो, फेंक दो, नाश्ता फेंक दो। आप नाश्ता भी फेंक दो और रख दो, पैंट ही रख दो उधर। दोस्तों आप देखिए, जो चीज़ हम रोड पे कहीं ना कहीं अक्सर दे देते और चले जाते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका सही तरह से यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है हमें भी नहीं पता रहता है। बट अच्छी व्यवस्था मिल जाए तो हर एक व्यक्ति नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। भाई के हालात भी कुछ ऐसे थे, अभी भाई ने बताया कि उनके पैसे, काफ़ी सारे लोगों ने पैसे उनको दिए हैं 25-30 रुपया। तो बस इस पैसे की वजह से कोई व्यक्ति नहीं बदल सकता है, पैसा तो सिर्फ एक माध्यम है। वो फेंक दो, नहीं आ देंगे, नहीं आ देंगे खाने देने के बाद, नहीं आ देंगे। पैसा देने से कुछ नहीं होता है, टाइम देने से सब कुछ हो सकता है। आज थोड़ा टाइम दिया है भाई की, इतने टाइम की जो नहाने की जो हैबिट थी आज उनको बहुत अच्छा लगा और उनका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। बहुत सारी गंदगी निकली उनके शरीर में से, बट चलिए यही सबसे बड़ी बात है। लो ये खाना खा लो आप, आ जाओ, ये लो इधर बैठ जाओ, लो खाना खा लो। ऐसा खाना खाने का, खा लो मस्त, लो क्या बात। चले दोस्तों कोई बात नहीं, आज इस लोक कल्याण वृद्धाश्रम में बाइक की व्यवस्था के साथ अच्छी ज़िंदगी उनको मिली है। आप भी यहाँ पे आना चाहते हो तो डिंडोली विस्तार में आप गूगल मैप के माध्यम से यहाँ तक पहुँच सकते हो। और ऐसे व्यक्ति की जो हालात बदलने की थोड़ी सी कोशिश करी हमने, ओडिशा से जितने भी भाई देख रहे हैं, भाई ने जिस तरह से गाँव का नाम बताया, धौलमपुर या धर्मपुर, पता नहीं किस तरह से बोल रहे हैं, बट कोई भी व्यक्ति जानता है पहचानता है तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आप तक आपके परिवार के व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं। और इस सोशल मीडिया का क्या पावर है, क्या हम कर सकते हैं, उनका सबसे बड़ा एग्जांपल है। आप सभी लोग देख रहे हो तो उनको शेयर कर दीजिए, बस एक परिवार मिलन होगा हमारे लिए, वो सबसे बड़ी बात होगी। और आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे व्यक्ति के लिए भावनगर से महुआ हाईवे पर 600 लोगों की व्यवस्था बन रही है सोशल मीडिया आश्रम, जहाँ पर अभी हमें ऑलमोस्ट 15 लाख रुपये की ज़रूरत है, जो जितने सारे हमारे सपोर्टर देख रहे हैं। जहाँ पे अभी हमें ड्रेनेज के काम की शुरुआत हमने कर दी है, तो ड्रेनेज काम के लिए हमें ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो जितने भी मेरे सपोर्टर देख रहे हैं, कोई भी मेरे भाई, 15,000 ऐसे सपोर्टर चाहिए जो अपने खर्चे में से भी खर्चा निकाल के 100 रुपए का योगदान दे सके। तो जहाँ पे अभी गटर लाइन का काम चालू है, पूरा खाल कुआ वहाँ पे बन रहा है, तो उनके पूरे काम के लिए, क्योंकि 600 लोगों का ड्रेनेज का काम बहुत ही बड़ा रहता है, तो 15 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो जिनके कारण आप सभी लोगों का थोड़ा सा भी जो सहयोग रहेगा तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। चलिए ठीक है, आगे हम और मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।